मध्य प्रदेश सरकार जोरा और आगर मालवा विधानसभा उपचुनाव से पहले सियासी फायदा लेने की कवायद में जुट गई है। जी हां, इसके लिए सरकार दोनों ही विधानसभा क्षेत्रों के जिलों में किसान कर्ज माफी करने जा रही है, जिसके लिए उनकी कवायदें शुरू हो गई हैं। सूत्रों के मुताबिक इसके लिए जल्द ही वित्त विभाग 250 करोड़ की मंजूरी दे सकता है, उसके बाद पात्र किसानों का कर्जा माफ करने की प्रक्रिया शुरू कर दी जाएगी। सरकार की तैयारी 31 मार्च से पहले पूरी प्रक्रिया संपन्न करने की है। आपको बता दें कि दोनों जिलों में 22,000 किसानों के 2 लाख तक का कर्जा माफ होना है। और हमारे साथ इसी खबर पर सीधे जुड़े हमारे सहयोगी नीरज श्रीवास्तव न्यूज रूम से। नीरज, जोरा और आगर मालवा विधानसभा उपचुनाव को लेकर सरकार ने अपनी पूरी तैयारी कर ली है और इन दोनों सीटों को किसी भी हालत में नहीं खोना चाहती, इसीलिए यहाँ के किसानों का कर्जा माफ करने की तैयारी सरकार ने कर दी और बहुत जल्द इसकी मंजूरी भी मिल जाएगी वित्त विभाग से। जी बिल्कुल, देखिए कर्ज माफी कांग्रेस के लिए एक बड़ा मुद्दा शुरू से ही रहा है और विपक्ष भी लगातार कर्ज माफी को लेकर सरकार को घेरता आया है कि जिस तरह से वचन पत्र में सरकार ने वादा किया था कि 2 लाख तक के जो कर्ज किसानों के उनको माफ कर दिया जाएगा, यहाँ तक कि राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी ने भी 10 दिन में कर्ज माफी की बात कही थी, तो उसको लेके कहीं ना कहीं विपक्ष भी लगातार हमलावर रहा है। और अब आगर मालवा और जोरा में उपचुनाव है तो इसके चलते माना जा रहा है कि अब सरकार कर्ज माफी को लेकर कड़े फैसले गंभीर है और दोनों ही जिलों में कर्ज माफी कर सकती है। लगभग 22,000 किसान दोनों जिलों में है जिनकी कर्ज माफी होनी है। अब मार्च से पहले सरकार ये काम कर सकती है, जहां तक सूचना प्राप्त हो रही है वहां तक वित्त विभाग ने भी लगभग 200 करोड़ रुपए आवंटित करने की तैयारी सरकार को कर ली है, जिससे कर्ज माफी कर सके। हालांकि सरकार के लिए ये इसलिए जरूरी है क्योंकि दोनों ही उपचुनाव सरकार जीतना चाहती है, कांग्रेस के विधायक बनाना चाहती है, तो इसके चलते विपक्ष को मौका ना मिले क्योंकि विपक्ष पूरी तरह हमलावर रहेगा पूरे चुनाव के समय में। इसलिए विपक्ष को कहीं ना कहीं मुंह बंद कर रही है या फिर विपक्ष की जवान रोकने के लिए ये भी किया जा सकता है क्योंकि विपक्ष कर्ज माफी को ही एक मुद्दा बना सकता है चुनाव में बड़ा। इसलिए सरकार ने ये फैसला लिया है कि दोनों जिलों की कर्ज माफी चुनाव से पहले कर दी जाए। जी नीरज, अगर सरकार ऐसा करती है तो जो अतिरिक्त भार पड़ेगा, क्योंकि 22,000 किसान जो है उनकी कर्ज माफी यहाँ पर करनी है और उसी हिसाब से यहाँ पर उसके लिए इन्हें पैसों की यानी कि उतने फंड की भी जरूरत पड़ेगी, ये अतिरिक्त भार भी पड़ेगा, लेकिन इन तमाम चीजों को कैसे सरकार जो है वो बैलेंस करेगी यानी कि उनमें समन्वय बैठाएगी? जी बिल्कुल, देखिए सरकार के लिए एक बड़ी चुनौती है कि फंड की व्यवस्था किस तरह से की जाए। जिस तरह से वचन पत्र में वादे सरकार ने किए हैं उनको भी पूरा करना है क्योंकि वो सारे वादे सरकार के लिए गले की फांस बने हुए हैं, तो अब एक फंड की व्यवस्था करना बड़ी चुनौती है, जिसको लेके सरकार ने कई सारी योजनाएं जो सरकार की थी वो बंद कर दी है। इसके अलावा अभी 1,000 करोड़ का अतिरिक्त कर्ज सरकार दोबारा लेने जा रही है, लगातार सरकार तीसरी बार अब कर्ज लेने जा रही है, तो कर्ज माफी सरकार अब करेगी और आगे की जो कई योजनाएं भी सरकार ने बंद कर दी है, कई अपने खर्चों पर भी लगाम लगाया, तो इस तरह से सरकार कहीं ना कहीं सामंजस्य उठाने की कोशिश कर रही है। जी सरकार ने तो यहाँ पर इन दोनों सीटों को जीतने के लिए कवायद शुरू कर दी, लेकिन विपक्ष की बात की जाए तो विपक्ष यहाँ पर इन सीटों को कैसे बचाएगा अपनी, क्योंकि जिस तरह से लगातार उपचुनाव में हम आंकड़े देखते आ रहे हैं और हार देखते आ रहे हैं हम बीजेपी की यानी कि विपक्ष की, उससे तो ये लगता है कि अगर यहाँ पर भी सरकार की कवायद रंग लाती है तो ये बीजेपी के लिए यानी कि विपक्ष के लिए एक बहुत बड़ा झटका होगा। जी बिल्कुल, जाहिर सी बात है यदि विपक्ष पूरी तरह से कमर नहीं कसता है और जोरा और आगर मालवा में फेल हो जाता है तो विपक्ष के सारे जो दावे हैं वो फेल हो जाएंगे। जिस तरह से विपक्ष लगातार सरकार गिराने की बात बार बार करता आता है आ रहा है तो ये सारे जो दावे पूरी तरह से समाप्त हो जाएंगे विपक्ष के, और विपक्ष के लिए ये बहुत जरूरी है कि दोनों ही सीटों पर विपक्ष का कब्जा हो, तब जाके कहीं आपसी सामंजस्य बन पाएगा। और इसके लिए अब प्रदेश कार्यालय में लगातार बैठकों का दौर जारी है, बड़े बड़े नेताओं से संपर्क किया जा रहा है, हालांकि प्रदेश अध्यक्ष का भी बदलाव हो चुका है, अब प्रदेश अध्यक्ष को भी आह्वान दे दी गई है। प्रदेश अध्यक्ष एक तरफ युवाओं को ज्यादा से ज्यादा जोड़ने की बात कर रहे हैं, तो दोनों चुनावों को लेकर अब प्रत्याशियों का भी आना बीजेपी प्रदेश कार्यालय में शुरू हो गया है, कुछ पूर्व विधायक भी अभी बीजेपी कार्यालय पहुंचे थे, तो विपक्ष भी अपनी पूरी तैयारियों में लगा हुआ है और सरकार को किस तरह से घेरना है इसकी भी पूरी रणनीति बना रहा है। जी
बहुत बहुत शुक्रिया नीरज हमारे साथ इस तमाम जानकारी को साझा करने के लिए। तो अब सरकार इन दो उपचुनाव में इन सीटों को जीतने के लिए सरकार ने तो अपनी कवायतें शुरू कर दी है और सरकार यहाँ पर एक बार फिर कर्ज माफी कर सकती। जहाँ उपचुनाव से पहले सरकार जोरा और आगर मालवा विधानसभा उपचुनाव की इन सीटों पर किसान कर्ज माफी कर इन सीटों को अपने कब्जे में ले सकती है, और अगर ऐसा होता है तो ये जो सीटें हैं अगर वो उनकी कमी होती है वहां पर अगर कांग्रेस काबिज होती है तो बीजेपी के लिए वाकई एक बहुत बड़ा झटका होगा। लेकिन अब सरकार ने अपनी कवायतें शुरू कर दी, लेकिन विपक्ष इन सीटों को कैसे बचाए गए तो देखना दिलचस्प होगा।